देखिए आरसीएम कंपनी का प्रोफाइल 1977 साल में फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम का राजस्थान भीलवाड़ा में स्थापित हुआ था, जिस समय कंपनी दूसरे के कपड़े लेके बेचता था। 1986 साल में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर लॉन्च किए, यानी कि खुद के फैक्ट्री डाला। अगस्त महीने सन 2000 साल में RCM यानी कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग लॉन्च हुआ। नवंबर 2012 में गवर्नमेंट MLM गाइडलाइन लॉ फॉर लॉन्च हुआ, यानी कि उससे पहले कोई MLM का कानून नहीं था। उसके बाद 2012 में कानून पास हुआ। 60% प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। 39% प्रोडक्ट कंपनी का जॉब वर्क है, यानी कि दूसरे से करवा के लेते हैं। 1% प्रोडक्ट टाई अप, यानी कि दूसरा ऐसे ऐसे कंपनी है जो RCM से जुड़े हुए हैं। कंपनी में लगभग 500 करीबन प्रोडक्ट है। 80 डेपो है पूरे भारत में, यानी कि बड़े बड़े गोडाउन जहाँ पे कंपनी का माल आके वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, और वहाँ से आता है पिकअप सेंटर पे। पूरे भारत में लगभग पिकअप सेंटर यानी कि POC 7,000 से 10,000 तक करीबन है। 5 वेंडर वर्ल्ड है। वेंडर वर्ल्ड बोले तो जैसा बड़े बड़े जैसे सुपर मॉल, बिग मॉल, उसी प्रकार के हैं। देखिए अभी हम समझते हैं जो मार्केटिंग प्लान के बारे में RCM का। देखिए आप और हम जो सामान मार्केट से खरीदते हैं, वो सामान जिस दुकान से हम खरीदते हैं उस सिस्टम का जो नाम है, उसका नाम है ट्रेडिशनल सिस्टम। ये ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, इसका जो डिज़ाइन किया गया है, अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी अगर किसी भी प्रोडक्ट, सोचिए ये पेन अगर 45 रुपये खर्चा होता है किसी भी कंपनी में, वो कंपनी 15 रुपये मुनाफा रख के 60 रुपये में मार्केट में छोड़ देते हैं। लेकिन वही प्रोडक्ट हमारे पास, यानी कि हम तो कस्टमर हैं, हमारे पास वही प्रोडक्ट आते हैं 120 रुपये में। लेकिन देखिए जो 60 रुपये में छोड़ते हैं और हम जो कस्टमर हैं, हमारे पास 120 रुपये में आते हैं, तो बाकी के पैसे देखिए जो बीच के कुछ ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जिसमें बट जाता है। अगर सोचिए आप और मैं कस्टमर हूँ, तो हम वही प्रोडक्ट को कहाँ से लेने जाते हैं? एक रिटेलर से, यानी कि एक छोटे मोटे दुकान से। लेकिन उस दुकान में ये पेन बनता है क्या? लेकिन ये पेन उस दुकान में नहीं बनते हैं। कंपनी उनको 15 रुपये देते हैं, लेकिन वो रिटेल वो कहाँ से लाता है वो प्रोडक्ट को? यानी कि एक होलसेलर से। होलसेलर को कंपनी 10 रुपये देते हैं। होलसेलर के पास भी वो पेन नहीं बनते, वो कहाँ से लाता है? एक डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी उनको भी 10 रुपये देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी वो प्रोडक्ट नहीं बनते, वो लेने जाते हैं एक एजेंट से। एजेंट को कंपनी 10 रुपये देते हैं। एजेंट डायरेक्ट कंपनी से लाते हैं। लेकिन एजेंट और कंपनी, इन दोनों के बीच में एक जो झूठे वादे करते हैं, जिनका नाम है एडवर्टाइजिंग, यानी कि आप विज्ञापन समझ लीजिए। विज्ञापन को कंपनी 15 रुपये देते हैं। लेकिन आप देखिए, ये 5 जनों के पास ये पेन या कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। ये लोग कंपनी से लाके सिर्फ आप तक पहुंचाते हैं। तो ये लोग जो बीच का जो पैसे खा लेते हैं, इन जो बट जाता है, ये पैसे आपके और मेरे ही तो खून पसीने की गई मेहनत के पैसे हैं। लेकिन देखिए अब RCM क्या कर रहे हैं, जो अगर आप RCM में डॉक्यूमेंट देते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगता है, डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का, RCM का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लाइसेंस मिल जाते हैं। ये कंपनी RCM में भी अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर 45 रुपये खर्च होता है, यानी कि मान लीजिए ये पेन में अगर 45 रुपये अगर RCM में भी खर्चे होते हैं, तो ये कंपनी 10 रुपये मुनाफा रख के 55 रुपये में मार्केट में छोड़ देते हैं। लेकिन हम कौन है, यानी कि डायरेक्ट सेलर है हम, हमारे पास वही प्रोडक्ट 100 रुपये में आते। देखिए बीच में जो ये 5 जन थे, यहाँ पे देखिए उस 5 जन को कंपनी ने हटा दिए हैं। यहाँ पे सिर्फ पिकअप सेंटर यानी कि POC कंपनी डाल के रखे हैं, और ये पिकअप सेंटर को कंपनी अपने इस 10% से खर्चा इनको इनको देते हैं। लेकिन आप देखिए
जो 55 रुपये से अगर 100 रुपये में हमारे हाथ में आया, तो 100 रुपये में से अगर 55 अगर माइनस किए जाए तो बाकी बचे कितना, यानी कि 45 रुपये। देखिए ये 45 रुपये कंपनी हमें ही वापस कर रहे, किस तरह से देखिए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 32% परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि आप देखिए यहाँ पे इस जगह पे 10 से लेके 32% परफॉर्मेंस बोनस, और यहाँ पर देखिए जो 8% रॉयल्टी बोनस, यानी कि 3 से लेके 8% रॉयल्टी बोनस, और यहाँ पर देखिए जो 5% टेक्निकल बोनस, यानी कि 1 से लेके 5% टेक्निकल बोनस। तो अब आप इसका थोड़ा गिनती लगाइए, जो 32 और 8 कितना हुआ, 40, 40 और 5 कितना हुआ, 45। तो अभी देखिए ये 45% कंपनी यहाँ पे देखिए हमें ही वापस कर रहे हैं, लेकिन आपको एक आश्चर्य होगा कि ये 45 जो परसेंट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे या कितने अमाउंट हो सकते हैं। मैं आपको एक साधारण एक गिनती दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप मान लीजिए आप यहाँ पे है और आपके दोनों साइड है, ये दोनों साइड में जितने लोग होंगे उनमें से अगर सोचिए यहाँ का देखिए जो 5% लास्ट इनकम है, लास्ट एक साइड में 25 करोड़ और एक साइड में 25 करोड़, अगर इसका हम अगर इसका कैलकुलेशन निकाले तो हम एक कैलकुलेशन निकालते हैं, चलिए देखते हैं जो कितना होता है। सोचिए 25 करोड़ देखिए 25 करोड़ इन टू 2 समान कितना हुआ, 50 करोड़ हुआ, लेकिन इस 50 करोड़ का कंपनी कितना दे रहा है, 5%, यहाँ पर देखिए 5% दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको गुणा कीजिए इनटू 5% कितना हुआ, देखिए यहाँ पे लगभग आपका 2.5 करोड़ रुपए पर मंथ आपके घर में आ रहे हैं, ये इनकम इस 5 जनों में डिवाइड हो जाते थे। लेकिन आप सोच लीजिए एक बार के लिए, अगर आप इस पोस्ट में हैं, अगर आप इस पोस्ट में हैं तो आपके नीचे वाले भी तो बीच के पोस्ट इतने सारे ये रॉयल्टी में कोई इतने परसेंट पे या 32% पे 10 से लेकर, तो इन लोगों को टोटल लेके कितने करोड़ों अरबों रुपए जो ये लोग खा लेते थे, जो बीच में बढ़ जाता था। तो यही पैसे तो कंपनी आपको वापस कर रहे हैं, जो 2.5 करोड़। अगर मान लीजिए ये आरसीएम का जन्म यहाँ पर देख लीजिए एक बार, कितने कितने साल में हुआ, सन आरसीएम का जन्म हुआ सन 2000 साल में। तो 2000 साल में जब आरसीएम का जन्म हुआ, तो अगर यही अगर सोचिए सो मान लीजिए जो 200 300 साल पहले अगर आरसीएम का जन्म होता, तो ये इनकम जो है आज 2.5 करोड़ रुपए, ये आपके या हमारे घर में तो जरूर आते, आज हमारे सोचिए पोते के घर में आ सकता था, या आज हमारे दादाजी अगर करके रखते थे तो हमारे घर में तो ये 2.5 करोड़ आते थे। इसका एक मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे सोचिए मैं आपको एक डिजाइन के तौर पे मैं दिखाता हूँ जो इसका कितना होता है, और इसका कुछ चीजें मैं आपको पहले समझा दूँ। ये जो 32% और 8% और 5%, ये जो टोटल मिला के जो 45% है ना, ये कोई रुपए नहीं, ये एक बिजनेस वॉल्यूम है जिसको कंपनी ने बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर कंपनी ने कन्वर्ट किए हुए हैं। ये जो आपने देखा जो दोनों तरफ आपका इतना इतना बिजनेस, ये दोनों बिजनेस से रुपए नहीं, एक बिजनेस वॉल्यूम है। वो कैसा, मैं आपको एक पक्का बिल पे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जब आप किसी भी पिकअप सेंटर, पूरे भारत में जो 7,000 से 10,000 दुकानें हैं, आप वहां से कोई भी दुकान में आप खरीदारी करने जाएंगे पिकअप सेंटर पे, वहां पे आपको इसी तरह का एक पक्का बिल मिलेगा। और इस बिल में आप देख लीजिए, पहला आप जिस दुकान से खरीदारी करेंगे उसका पूरा पता, वहां का एड्रेस यहाँ पे रहेगा, और उसके मोबाइल नंबर के साथ उसका फोन नंबर भी इसी में रहेंगे। उसके बाद आता है आपका आईडी नंबर, यानी कि आपके लाइसेंस नंबर, डायरेक्ट सेलर जो लाइसेंस है उसका नंबर। उसके बाद आता है देखिए आपका नाम, यानी कि यहाँ पे आपका नाम
लगे हुए हैं। आप एक बात के लिए सोच लीजिए, आप जिस दुकान से यहाँ पे खरीदारी करते थे, ये दुकान में आप जो कस्टमर है, आप इनका पेट चलाते थे, इनके परिवार का 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 पेट चलाते थे, और कंपनी का भी परिवार का पेट आप ही चलाते थे। लेकिन क्या आपको नाम मिला? आपको कभी उन्होंने पक्का बिल दिया किसी दुकानदार, किसी रिटेल दुकान में? हाँ, मैं मानता हूँ आप अगर बड़े बड़े बिग मॉल या रिलायंस के किसी शॉपिंग मॉल पे जाएंगे, या तो किसी डीमार्ट या सरकारी सहकारी भंडार पे आप जाएंगे, तो भले ही या शायद ही आपको पक्का बिल मिलता है, लेकिन क्या आपके नाम से मिलते हैं? जी नहीं, आपके नाम से वो बिल मिलते नहीं। आप अगर इस चीज़ को बहुत ज़रा गौर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ आता है जो जहाँ पे आप सब कुछ है लेकिन आपको कोई मान्यता नहीं, आपका कोई नाम नहीं, आपके दादाजी परदादाजी से इस दुकान से खरीदारी करते आए हैं लेकिन आपको कोई नाम नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपको आपका नाम मिलेगा, आपके यहाँ पे आपका योग्यता मिलेंगे, आपके आपका यहाँ पे अधिकार मिलेगा। ऊपर से देखिए, यहाँ पे आपका इनवॉइस नंबर, यानी कि आप जो जो खरीदारी जिस दिन करेंगे उस दिन में ये बिल नंबर आपका रहेगा। उसके बाद कौन से तारीख को आपने खरीदारी किया है वो यहाँ पे तारीख रहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो प्रोडक्ट नाम, यानी कि प्रोडक्ट नेम जो है, यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट जो जो प्रोडक्ट इन्होंने लिए हैं इनका एक लिस्ट है। और इधर लिखा हुआ है देखिए बीवी, यानी कि बिजनेस वॉल्यूम। मैं जो ये जो बात कर रहा था, जो 32%, 8% और 5%, ये टोटल इस बिजनेस वॉल्यूम से कन्वर्ट किए हुए हैं। तो मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आरसीएम में जो हेल्थ गार्ड ऑयल ये जो मिलता है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। इसका एक लीटर यानी कि 118 रुपए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और इन्होंने 5 लीटर लिया है, यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है। तो 5 लीटर का कितना होता है भाई साहब? देखिए यहाँ पे 5 लीटर का 590 रुपए होता है। तो 100 जो तेल आपका एमआरपी है 135 रुपए, लेकिन आपके लाइसेंस पे वो उस तेल का आपसे, उस ऑयल का आपसे लिए गए 118 रुपए में, साथों साथ आपका जो 5 लीटर का यहाँ पे टोटल कर दिया गया है जो 590 रुपए। और यहाँ पे देखिए बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि 50 बिजनेस वॉल्यूम 1 लीटर ऑयल के ऊपर, तो 5 का कितना हुआ भाई साहब? देखिए 250 बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो 250 बिजनेस वॉल्यूम जो होता है, तो कंपनी यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गए थे, मैं आपको सीधा कर देता हूँ ताकि आपको इस चीज़ पता चले। देखिए यहाँ पे जो मैंने समझाया था, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, आपका जिस दुकान से आप खरीदारी करेंगे उसका एड्रेस रहेगा, फ़ोन नंबर के साथ रहेंगे, और साथों साथ आपका आईडी नंबर, यानी कि आपका जो लाइसेंस नंबर है डायरेक्ट सेलर का, उसका लाइसेंस नंबर रहेंगे, आपका नाम रहेगा, आपका इनवॉइस नंबर यानी कि बिल नंबर रहेंगे, आप कौन से डेट पे खरीदारी कर रहे हैं वो रहेंगे, और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का जो नाम है, यानी कि हेल्थ गार्ड राइस ब्रन ऑयल, आपका 1 लीटर का कीमत है 118 रुपये, जिसका एमआरपी है 135 रुपये, आपके लाइसेंस पे 118 रुपये लेंगे, और साथों साथ आप जो 5 लीटर लिए हैं उस 5 लीटर का कुल कीमत होता है 590 रुपये। और यहाँ पे जो बिजनेस वॉल्यूम, जिस बिजनेस वॉल्यूम का मैं बात कर रहा था, जो 32%, 8% और यहाँ पे 5%, 32%, 8% और 5%, इसका ये बिजनेस वॉल्यूम है। तो बिजनेस वॉल्यूम देखिए 1 लीटर पे आपको 50 मिला है, तो 5 लीटर पे कितना होता है? जो 250 बिजनेस वॉल्यूम होते हैं, और 250 बिजनेस वॉल्यूम अभी आप यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पे आपको कितना दे रहा है, जो कंपनी बोले हैं जो 100 से 4,999 बिजनेस वॉल्यूम तक कंपनी आपको कितना दे रहा है? 10%। तो यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, जो 250 का 10% कितना होता है? तो 250 जो बिजनेस वॉल्यूम है वो तो 100 से 4,900 के बीच में ही आता है ना साहब, तो कितना होता है जो आपके अकाउंट में, फिर आपको यानी कि 25 रुपये आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। तो यानी कि एक लीटर ऑयल में 50 बिजनेस वॉल्यूम का 10% कितना हुआ? यानी कि 5 रुपये, यानी कि वो 5 रुपये आपके बैंक खाते में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुल टोटल मिला के जितने प्रोडक्ट इन्होंने लिए हैं, इसका यहाँ पे टोटल किया गया है बिल वैल्यू का कितना इन्होंने खरीदारी किया है? 772 रुपये। और यहाँ पे देखिए जो टोटल बीवी उसको, यानी कि बिजनेस वॉल्यूम कितना मिला है?
355 मिला है, 355 मिला है। तो आप एक बार के लिए मान लीजिए जो इन्होंने जितने अमाउंट का खरीदारी किया है उसका आधा बिजनेस वॉल्यूम तो उनको मिला है। यानी कि आप अगर 1000 का सामान की खरीदारी करेंगे पर मंथ, तो यानी कि आपको ऑलरेडी 500 यानी कि उसका आधा बिजनेस वॉल्यूम तो आपको मिलेगा। ठीक है, अभी अभी आपको ये क्लियर हुआ जो आपको मैंने ये जो समझाया जो बिल के दौरान? अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो इस बिजनेस वॉल्यूम के माध्यम से आपके घर में कितने का इनकम आ सकता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक इनकम दिखाता हूँ। ठीक है, आपको मैं एक इनकम दिखाता हूँ जो सोच लीजिए, मेरा नाम मैं यहाँ पे डालता हूँ। देखिए मेरा नाम सत्यजीत घोरुई मैं यहाँ पे डालता हूँ, जो SATYAJIT सत्यजीत GHORUI सत्यजीत घोरुई। मैं इसको यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ जो ये मैं हूँ सत्यजीत। ठीक है, तो यानी कि मेरे दोनों साइड है, मेरे दोनों साइड है। अभी मान लीजिए जो आपका कोई भी एक नाम पकड़ता हूँ, सोचिए आपका नाम मैं तरुण डालता हूँ, तो तरुण का भी, तरुण भाई आपका भी दोनों साइड है। लेकिन सोचिए अगर मुझे किसी व्यक्ति को मिला जो उसको ये तेल वेल ये सिस्टम पसंद आया, तो मैं आपको आपके इधर मैं आपको डाल दूंगा। उसके बाद इनके भी देखिए दो दो साइड है, तो दोनों साइड में अगर सोचिए मुझे और कोई व्यक्ति मिला तो मैं भी आप ही के नीचे मैं यहाँ पे डाल दूंगा। मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ ये जो व्यक्ति है इसका कोई भी अब कोई भी मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं जेड डाल देता हूँ। तो ये आदमी अगर ये व्यक्ति महीने में 2000 की सामान की खरीदारी करते हैं, 2000, और देखिए उनका लगभग आधा बिजनेस वॉल्यूम तो उनको मिलेगा, तो यानी कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम BV उनको तो मिलेगा। लेकिन देखिए 1000 बिजनेस वॉल्यूम का कंपनी ने कितना दिया है, यहाँ पर देखिए जो कंपनी ने उनको 100 से 4999 तक 10%, तो यानी कि इनको 10% मिलेगा कमीशन इनटू 10%। तो 10% कितना होता है, यानी कि 100 रुपये होते हैं, 100 रुपये होता है। ठीक है, अच्छा अभी सोचिए ये जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब पर मंथ 2000 की खरीदारी करते हैं और 1000 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं, तो उनको 10% कमीशन यानी कि 100 रुपये उनके बैंक खाते में जाते हैं। लेकिन ये आदमी सोच लीजिए, ये आदमी बिजनेस सोचिए नहीं कर रहा है। मैं एक बात के लिए एक नेगेटिव सोचता हूँ जो ये आदमी बिजनेस भी नहीं कर रहा और खरीदारी भी नहीं कर रहे, ये समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि अगर आपके नीचे कोई भी एक आदमी आए जो बिजनेस नहीं कर रहे और खरीदारी भी नहीं कर रहे, लेकिन आपका जो इनकम है वो कहीं से रुकने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, सोचिए तरुंदा को कोई आदमी मिला, तो इसका भी दोनों साइड है। तरुंदा ने यहाँ पे एक आदमी को यहाँ पे ज्वाइन करवा दिए, तो ये आदमी सोचिए ये आदमी तो खरीदारी नहीं कर रहे, लेकिन ये आदमी क्या बोला जो अरे सत्यजीत जी या तरुण जी, मेरे पास तो बहुत समय है और बहुत टाइम है और मेरे पास ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मेरा जान पहचान है जो ये बिजनेस बोलूँगा तो वो लोग करेंगे, और जब ये बिजनेस के ये प्रोडक्ट अच्छे हैं तो लोग क्यों नहीं करेंगे, मैं उनको समझाऊंगा। तो ये आदमी बिजनेस करने के लिए तो आया है ना। अगर ये आदमी बिजनेस करते हैं तो सोच लीजिए, एक मान लीजिए ये आदमी भी महीने में 2000 की खरीदारी करते हैं, 2000, और इनको भी बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं 1000 बिजनेस वॉल्यूम, 1000 बिजनेस वॉल्यूम, तो कंपनी इनको भी 10% जैसे आपको दिया है वैसे भी 10% देंगे। लेकिन आपको मैं एक समझाता हूँ, ये आदमी अगर बिजनेस के लिए उतर रहे हैं तो इनके टीम बढ़ेगा कि कम हो जाएंगे, बढ़ेंगे ना। तो अगर इनका टीम अगर बढ़ा तो ये टीम किसका है, आपका भी तो है, तरुण भाई का है, मेरा है, और ये लोग ये जो व्यक्ति है इनका भी है। ठीक है, तो एक मान लेते हैं जो अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं, सोचिए ये आदमी का 2000 की खरीदारी हुआ, 1000 बिजनेस वाले इनको मिला, और नीचे के लोग जितने खरीदारी किए, नीचे के लोगों ने जितने खरीदारी किए उनका टोटल मिला के अगर यहाँ पे सोच लीजिए
मैं 3,000 पकड़ता हूँ, जो 3,000 बिजनेस वॉल्यूम, 3,000 बिजनेस वॉल्यूम इन लोगों ने की, तो आप इसको टोटल कीजिए, 3,000, 3,000 और 1,000 कितना हुआ, 4,000, 4,000 और 1,000 कितना हुआ, 5,000। तो जब भी 5,000 हो जाएंगे आपके ग्रुप का, आपने देखिए ये जो आदमी है, ये आदमी ने ना किसी को ज्वाइन करवाया, सिर्फ खरीदारी कर रहे हैं ऑनली। लेकिन देखिए जो ये आदमी ने, इसके नीचे जो हमने काम किए और ये व्यक्ति ने काम किया, जिसके नीचे 3,000 और 1,000 हुआ है, टोटल 4,000 और इनके खुद का 1,000। तो कम यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आइए एक बार मैं दिखाता हूँ, जब 5,000 हो जाएंगे, 4,999 के नीचे जब 5,000 हो जाएंगे, तो कंपनी कितना दे रहे इनको कमीशन, 12%। तो आप यहाँ पे आइए, जो यानी कि आपका उस समय इनटू 12% समान 120 रुपये। तो आप देख लीजिए, जो आपका खरीदारी उतना, बिजनेस वॉल्यूम भी उतने, और आपका देखिए नीचे से भी इन लोगों ने मिलके 5,000 कर दिया, आपका टोटल मिला के, तो आपको 12,000 कम 12% कमीशन मिला, जो 120 रुपये। ठीक उसी प्रकार जब नीचे टोटल मिला के जब उसको 10,000 हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, तब कंपनी आपको कितना देंगे, 14%। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ, जो इनटू 14% समान कितना होता है, 140 रुपये। ठीक है, और बाकी का देखिए यहाँ पे बीच का मैं और नहीं दिखा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, जो बीच का दिखाने से मतलब वक्त बर्बाद होगा, समय और भी ज़्यादा लगेंगे। मैं लास्ट आपको दिखा देता हूँ, 3.5 लाख जब होंगे आपके नीचे, तो लास्ट आपको 32% मिलेगा। देखिए यहाँ पे 32% इंटू 32%, यानी कि 320 रुपये। ये आपका जो आपने नहीं किए, आपने उतना ही खरीदारी किए हैं, उतना ही बिजनेस वॉल्यूम मिला, लेकिन आपको लास्ट आपको इतना मिलेगा, 3.5 लाख आपके नीचे। सोचिए मुझे कंपनी ने क्या बोल रहे हैं, जो देखो सत्यजीत, आप यहाँ पे जरा एक बार देखिए, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए कंपनी मुझे बोल रहे हैं, जो सत्यजीत अगर तुम्हें 8% रॉयल्टी में जाना है, 8% रॉयल्टी में अगर तुम्हें जाना है, तो एक साइड में आपका 3.5 लाख होना चाहिए और एक साइड में 3.5 लाख होना चाहिए। तो भाई साहब अगर देखिए, मैं तो इस सिस्टम में आज़ादी पाने के लिए आया हूँ और आज़ादी में पाना चाहता हूँ, तो और आज़ादी कौन सी, जो आर्थिक आज़ादी, यानी कि एक आ, आ, जिसको बोलते हैं मनी फ्रीडम, तो यानी कि पैसे की आज़ादी मैं अगर चाहता हूँ, तो मुझे तो ये दोनों साइड तो कवर करने ही होंगे। लेकिन देखिए आप यहाँ पे आइए, जो आपके नीचे यानी कि ये आप हैं, आपके नीचे 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि 3,50,000, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, ये तो कभी ना कभी पूरा होगा। देखिए अगर आप सोच लीजिए, 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में या 5 साल में, कभी ना कभी ये 3.5 लाख तो पूरा होगा ही होगा, बराबर, क्योंकि मुझे काम तो करना ही है। ठीक है, तो लेकिन देखिए जब भी आपके ये साइड में 3.5 लाख हो जाएंगे, कंपनी आपको 32% यानी कि 32% कंपनी कमीशन आपको, यानी कि 320 रुपये आपको देंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात है, जो आपका यहीं तक लास्ट है, यानी कि आप एक कस्टमर के रूप में कंपनी में काम कर रहे हैं, तो यानी कि आप जो व्यक्ति सिर्फ कस्टमर के रूप में काम करेंगे, उनको ये 32%, यानी कि यहाँ पे देखिए ये 32% तक लास्ट है। अगर आपको ये जो रॉयल्टी है, जो यहाँ पे दिखा रहा है, आप देखिए जो रॉयल्टी बोनस है, ये रॉयल्टी अगर आप पाना चाहते हैं या टेक्निकल के इनकम पाना चाहते हैं, तो आपको आपको दूसरे साइड, यानी कि यहाँ पे एक आदमी को यहाँ पे आपको लाना, आपके लिए ये पॉसिबल है, मतलब आपको ये करना ही होगा, तभी आपको वो दोनों इनकम आप पा सकते हैं। और कैसे होगा मैं वो भी बताता हूँ, सोच लिए, और मैं आपको एक जिक्र कर देता हूँ, ये रॉयल्टी आखिर क्या है। ये रॉयल्टी भाई साहब एक बात है, जो रॉयल्टी पूरे धरती में 3 कैटेगरी लोगों को मिलता है, एक मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे आइए, रॉयल्टी क्या है। रॉयल्टी 3 कैटेगरी लोगों को मिलते हैं, जैसे एक होता है जो साइंटिस्ट, ये आदमी को मिलते हैं,
ये आदमी अगर कोई भी चीज़ अगर उसका सोचिए अगर उन्होंने निर्माण किया, उसको बनाया, तो इस वैज्ञानिक को जब तक वो टेक्नोलॉजी जब तक चलेंगे तब तक उनको रॉयल्टी मिलता रहेगा। उसके बाद आता है जो एक राइटर यानी कि एक लेखक। ये लेखक अगर जितना किताब लिखेंगे, उनके किताब जब तक वो बिकता रहेगा, लोग पढ़ते रहेंगे, उनको वो रॉयल्टी ये मिलता है। और तीसरा है जो एक सिंगर यानी कि एक गायक। अगर सोचिए किशोर कुमार ने अगर एक गाना गाया और उसका FM में चले, या उसका CD तैयार हो, या ऑडियो कैसेट हो, या इंटरनेट से डाउनलोड हो, तो इन तीनों का कुछ परसेंटेज इनके बैंक अकाउंट में चला जाता है, इनके बैंक अकाउंट में चले जाते हैं, यानी कि इनका जो नॉमिनी रहेंगे या नॉमिनी को ही मिलता रहेगा। ठीक है, ये तीन कैटेगरी लोगों में से ये रॉयल्टी मिलता था। लेकिन क्या आप जरा सोच के बताइए भाई साहब, क्या ये रॉयल्टी हम कभी जीवन में हम बन पाएंगे, या हम कभी सिंगर बन पाएंगे, या कभी हम एक सोचिए एक राइटर बन पाएंगे यानी कि एक लेखक बन पाएंगे, या कोई भी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक हम बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, हम कभी भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये वो सिस्टम है जिनके माध्यम से हमें ये 8%, 3 से लेकर 8% रॉयल्टी हमें प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपने इस चीज़ को अगर थोड़ा सा गौर किए और नोट किए, तो ये हमारे 6 जनरेशन, अगर आपने RCM का लाइसेंस बनाया, तो RCM का लाइसेंस आपके 6 जनरेशन तक आप ये लाइसेंस के अधिकार रहेंगे। यानी कि मेरे बाद मेरा संतान, उसके बाद उसका संतान, उसके बाद उसका संतान, उसके बाद उसका संतान, इस तरह से 6 जनरेशन हमारा ये रॉयल्टी तक वो पा सकते हैं। क्योंकि लोगों ने गाना गाना तो कभी गाना सुनना तो कभी छोड़ेंगे नहीं, लोग किताब पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, या लोग कोई टेक्नोलॉजी कभी नहीं छोड़ेंगे। तो यानी कि जब उनको उनको जब रॉयल्टी मिलेंगे, तो हमारा भी खाने पीने का चीज़ें हैं, तो खाना खाना जो या एक बार इस प्रोडक्ट के बारे में जिनको पता चल चुका है, तो वो कभी इस प्रोडक्ट को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए जो आपको इनकम कितना मिल सकता है। सोचिए जब जब आपको यहाँ पे कितना मिलता था, जो 320 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो आदमी को आपने बताया, तो आपने क्या बताया, जो भाई साहब मैं कुछ दिनों से एक तेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो तेल मेरे घर में गैस एसिडिटी ये सब दूर हो चुका है। तो वो आदमी क्या बोलेंगे, जो अरे मेरा भी गैस एसिडिटी होता है, तो वो बोलेंगे जो ठीक है मुझे ज़रा दो। तो आपको मुझे मिलवाना है, ऐसा नहीं जो आप वहाँ पे फेस कीजिए, आप मुझे बहुत बताइए, मैं इन आदमी को जाके मैं उनको पूरा प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा। तो ये आदमी यहाँ पे आपके टीम में आ जाएंगे, और उसके बाद देखिए इस आदमी को अगर अच्छा लगा, ये क्या बोलेंगे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो ये बोलेंगे ठीक है चलो मैं एक दो मेरे परिवार हैं जो रिश्तेदार हैं, मैं उनको बता देता हूँ। तो सोचिए ये आदमी सिर्फ खरीदारी करते हैं, लेकिन इनमें से जो रिश्तेदार आए, ये रिश्तेदार ये बोला मेरे पास वक्त है, समय है, और लोगों से पहचान भी है, चलो मैं ये सिस्टम को मैं काम करता हूँ। तो अगर ये आदमी अगर आपके ये आदमी का अगर परिवार अगर ये सिस्टम के काम करने के लिए अगर आ गए, तो फिर ये यहाँ पे ये टीम बढ़ाएंगे कि कम कर देंगे भाई साहब? बढ़ाएंगे, बराबर। तो ये टीम किसका हुआ, ये टीम आप ही का ही हुए। लेकिन यहाँ पे देखिए, तब आपको इनकम कैसे मिल सकता है, यहाँ पर आपको मैं ये देता हूँ। सोचिए जब आपके 3.5 लाख यहाँ पे जो मैंने दिखाया, ये 3.5 लाख कौन बनाया, ये आदमी ने बनाया, मैंने बनाया, ये तरुणदा ने बनाया, इस तरह से ये लोगों ने बनाया। ठीक है, तो ये 3.5 लाख तो आपके साइड में है ही है, लेकिन ये साइट को डिवेलप करने से आप एक मिनट के लिए मान लीजिए कभी ना कभी आपके इस ग्रुप में 1,15,000 बिजनेस वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, कभी अगर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल कभी ना कभी तो 1,15,000 होगा। तब देखिए यहाँ पर एक बार आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आइए तो देखिए कंपनी क्या बोल रहा है, जो एक साइड में 3.5 लाख और एक साइड में 1,15,000, तो यानी कंपनी आपको कितना कितना कमीशन दे रहा है, 3%। ठीक है, तो ये जो 3% है आपको किस तरह से कंपनी डिवाइड करेंगे या कंपनी किस तरह से आपको देंगे, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, तो मैं अब देखिए ज़रा, मैं आपको यहाँ पे एक देखिए, एक साइड में 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम, आप सोचिए इसको ये मान लीजिए आपका एक ग्रुप में 3,50,000
बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम इनटू कंपनी आपको 3% कमीशन दे रहा है, 3%। सामान कितना हुआ, आप इसको अगर मैं आपको कैलकुलेटर में अगर बताऊं तो मैं आपको दिखाता हूं, जो आपको समझ समझाने के लिए, जो सोचिए मैं आपको दूसरा कैलकुलेटर दिखाता हूं, देखिए दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए 3.5 लाख, 3,50,000, 50,000 इंटू 3%, यानी कि 10,500 रुपये होता है। देखिए यहाँ पे 10,500 रुपये, ठीक है। देखिए ये जो जब आपको कितना मिलता था यहाँ पे, जो 320 रुपये, लेकिन आपका यहाँ पे काम करने के वजह से, आपको यहाँ पे काम करने के वजह से आपको कितना मिला भाई साहब, देखिए जो काम आपने नहीं किया है, ये काम आपके दूसरे लोगों ने किए हैं, जिसके बेनिफिट आपका एक ग्रुप चालू करने से ही आपको कितना मिला, 10,500 रुपये, जहाँ पे आपका बिल्कुल मेहनत नहीं लगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आप इसको बी ग्रुप पकड़ लीजिए, सोचिए मैं आपको बी ग्रुप यहाँ पे दिखाता हूँ, ऐसे तो ए बी का कोई अक्षर नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुमान के लिए जिसमें ज़्यादा बिजनेस हो रहा है उसको आप ए ग्रुप मान लीजिए, और जिसको जिसमें कम बिजनेस हो रहा है उसको आप बी ग्रुप मान के चलिए। देखिए ये आपका बी ग्रुप हो गए, बी ग्रुप में आपका 1,15,000 बिजनेस वॉल्यूम इनटू, तभी आपका यहाँ पे हिसाब कैसे होगा, देखिए भाई साहब आपको यहाँ पे आना होगा, एक बार यहाँ पे आइए, देखिए आपको 3.5 लाख का 3% कमीशन आपको दिए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 1,15,000 है, इसका कंपनी आपको कैसे आपको कमीशन देंगे, देखिए यहाँ पर आइए परफॉर्मेंस बोनस पे, 1,15,000 का कितना होता है, 1,15,000 का जो स्लैब है आपको कंपनी कितना परसेंट दे रहा है, 24%, यानी कि 24%, 24% जो है, ये जो 1,15,000 आपने तो नहीं किया ना, आपके ग्रुप वाले ने किए हैं, ये जो आपके ग्रुप वाले ने किए, तो इसका मतलब ये 24% आपके ग्रुप वाले को कंपनी डिवाइड करेंगे, ये जो 24% है ये आपके ग्रुप वाले को देंगे। लेकिन आपके लिए कंपनी कितना रखा है, देखिए आप तो इस 32% को कवर करके आप तो 3% पे आए हैं, तो यानी कि 32 में से अगर 24% अगर माइनस कर दिया जाए, यानी कि आपके ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाए, तो कितना बचे, ठीक है मैं आपको एक कैलकुलेटर पे मैं दिखाता हूँ, जो देखिए 32 माइनस यहाँ पे 24 आपके ग्रुप को कंपनी कमीशन दे रहा है, समान कितना होता है, 8%, बराबर। तो 8% कंपनी आपको 1,15,000 का देंगे, यानी कि 1,15,000 का 8% समान, आप यहाँ पे ये भी करके मैं दिखा देता हूँ, मुझे तो पता है लेकिन फिर भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, 1,15,000 इंटू 8% कितना होता है, 9,200 रुपये। तो यानी कि आपके खुद के साइड में जो आपने काम किए हैं, आपके ये साइड में, अब देखिए यहाँ पे 9,200 रुपये आपको यहाँ से मिला, और आप सोच लीजिए आपका तो 320 रुपये ही है, क्योंकि आपने आरसीएम से 2,000 की खरीदारी की है, 1,000 बिजनेस वॉल्यूम मिला आपको, और उसका लास्ट 32% आपको 320 रुपये। तो यानी कि आप जोड़ देते हैं खुद का, यानी कि 320 रुपये कुल मिला के कितना होता है, मैं ये भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, जो यहाँ पे देख लीजिए पहला क्या है, 10,500 प्लस 9,200 प्लस 320 प्लस 320 समान कितना हुआ, देखिए 20,020 रुपये आपके महीने का इनकम, यानी के 20,020 रुपये आपका महीने का इनकम। अभी आप मान लीजिए जो आपका जो ये जो 20,020 रुपये जो इनकम है, अगर आपके यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, अगर ये आदमी, अगर ये इंसान अगर ये सोच ले जो मुझे भी आपके जैसा 20,020 रुपये इनकम लेना है, और आपके ये साइड में से ये भी अगर सोच लेते हैं जो मुझे भी 20,020 रुपये इनकम लेने हैं, तो आप सोच लीजिए
आपका यहाँ पे 4.5%, 6% और 8% कब ये सिस्टम कवर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई साहब शुरू बाद में इसका सिस्टम थोड़ा भी आपको थोड़ा सा आपको अगर मुश्किल लग रहे हो, लेकिन ये सिस्टम में अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, 3% तक पहुँच गए, तो ये जो जितने सारे परसेंट है ये आपको धक्का देकर भी आपको ऊपर कर देंगे। जैसे और एक बार आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, सोच लीजिए जब आपका यहाँ पे एक आपके एक ग्रुप में 1,15,000 हो जाएंगे तब आपको 3% मिलेगा, तो जब आपके 1,03% आपको 3.5 लाख का मिलेगा और 1,15,000 का आपको यहाँ पे स्लैब में आएंगे, उसमें से माइनस करके 32 में से ये माइनस हो जाएगा, होने से जितना बचता है उतने का आपको इसका कमीशन मिलेंगे जिस तरह मैंने प्लान पे दिखाया। और जब यही इन बिजनेस वॉल्यूम जब 1,70,000 हो जाएंगे, 1,70,000 का तब आपको क्या करेंगे, 4.5% आपको कंपनी 3.5 लाख का देंगे और बाकी 1,70,000 आप यहाँ पे आ जाइए, 1,70,000 तो 1,70,000 26.5% यानी कि 32 में से 26.5% आप माइनस कर दीजिए, माइनस कर देने से जितना जितना बचेगा उतना आपको 1,70,000 का मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आइए देखिए 2,60,000 जब आइए आपके एक ग्रुप में हो जाएंगे तब कंपनी आपको 6% आपको 3.5 लाख का देंगे, लेकिन 2,60,000 का यहाँ पे देख लीजिए 2,60,000 का 29% आपसे माइनस होगा 32 में से, तो 29% अगर माइनस होने के बाद जितना बचेगा उसका 2,60,000 का कमीशन आपको ये साइड से देंगे। ठीक है, आपको अभी मैं जितना दिखा पाया आपको समझ में आया, मतलब मैं आपको पूरी तरह से मैं समझा पाया हूँ, अगर समझा पाया हूँ तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी बात को इस तरह से पूरी तरह से ध्यान से सुना और देखा। और इस चीज़ को अगर आप थोड़ा बहुत अगर समय के साथ अगर देख लेंगे और थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत एक अच्छी तरह से मतलब ये आपका जीवन में एक उज्जवल एक इनकम और उज्जवल भविष्य ला सकते हैं। ऊपर से देखिए यहाँ पे जब ये टेक्निकल बोनस जो है आपके एक साइड में 5 लाख और एक साइड में 5 लाख, ये 5 लाख 5 लाख जो होंगे तब कंपनी आपको 1% कमीशन दे रहे हैं। देखिए ये जो प्लान है ये प्लान पे एक बहुत बड़ा है जो आपको मैं बाद में मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें 3 तरह का इनकम है, मतलब एक ही स्टेज में आपको 3 तरह का इनकम मिलेगा। वो जो इनकम है वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, मैं दूसरे पार्ट में मैं आपको मैं उस चीज़ का खुलासा करूँगा। ठीक है, शुक्रिया, जय हर सिंह।